वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ सौरभ सर। आज हम डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन इंडिया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, काफ़ी बर्निंग टॉपिक है। आजकल न्यूज़पेपर्स में आप देख सकते हैं, तो क्या इशू है, क्या डिस्प्यूट है, ये हम जानेंगे आज। और क्योंकि आपके इंडियन पॉलिटी में ये पक्का पक्का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इस एरिया से, तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी है, तो इसे ध्यान से देखिए। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की और वहाँ के जजेस की नियुक्ति की। तो आर्टिकल 124 ये प्रावधान है जो हमारे संविधान में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की नियुक्ति के लिए। तो क्या कहता है आर्टिकल 124? तो देर शैल बी एयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड टिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स अ लार्ज नंबर। शुरुआत में हमारे सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस थे, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था जो सीनियर मोस्ट जज होता था। ये बात कर रहे हैं 1950 की। 1950 में ये 8 थे और ये 1956 में ये इंक्रीज होके 10 पे आ गया। और 1966 की बात करें तो ये 13 पे आ गया, ये रैंक इंक्रीज हुआ। और 1977 में ये स्ट्रेंथ इंक्रीज होके 17 पे आ गया। तो ये स्ट्रेंथ रहा है जजेस का। और आज की बात करें तो 31 का स्ट्रेंथ है हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजेस का, और 25 स्ट्रेंथ था ये आपका 1986 में। तो जो 31 हमारा स्ट्रेंथ है उसमें एक CJI भी है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। जानेंगे इनके अपॉइंटमेंट के बारे में और ज़्यादा कि कैसे जज का अपॉइंटमेंट होता है। तो बच्चों, जज की नियुक्ति का पावर हमारे संविधान ने प्रेसिडेंट को दिया है, लेकिन एक हमेशा से जो डिस्प्यूट रहा है वो है ये वर्ड कंसल्टेशन। तो कंसल्टेशन प्रेसिडेंट खुद अपने उसके हाथ में पावर है, या कंसल्टेशन ऑफ जजेस इज़ मैंडेटरी। तो ये चीज़ देखना है। देखो, एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी वो कहता है कि सारे जज आपके प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, लेकिन उसके साथ एक लाइन है, आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन द स्टेट्स एज प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी। यानी कि आपका जो जज है सुप्रीम कोर्ट में, सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनके कंसल्टेशन पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करना है। तो पहले ये कॉलेजियम सिस्टम माना जाता था, कॉलेजियम सिस्टम के अंदर ये आता था, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम को चैलेंज किया गया। और आगे हम जानेंगे NJAC का कैसे इसमें रोल रहा, और ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। ओके, तो पहले जानते हैं क्वालिफिकेशन। एक सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, इट शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसमें 5 साल उसने कम से कम एज अ जज इन अ हाई कोर्ट उसने एक्सपीरियंस लिया हो, अदरवाइज 10 साल का एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट में उसका एक्सपीरियंस रहा हो। ये 3 मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है आपके सुप्रीम कोर्ट के जज की। लेकिन अगर ये 3 नहीं है और उसके साथ उसके अलावा डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सेप्शनल नॉलेज ऑफ लॉ। एक्सेप्शन नॉलेज ऑफ लॉ अगर उस किसी पर्सन को है, तो ही और शी इज़ ऑल्सो एलिजिबल टू बिकम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब बात करें अगर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति होती है वो होती है जो सीनियर मोस्ट जज होता है, वही आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त करता है, वो नियुक्त होता है। एक सेकेंड, हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त होता है। उसके बाद जो जज जा रहा होता है वही रिकमेंड करता था अब तक उसका नाम जो नेक्स्ट CJI बनना था। तो अब तक का जो हमारा कन्वेंशन रहा है डेट द सीनियर मोस्ट जज इज़ द नेक्स्ट CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन ये कन्वेंशन तोड़ा भी गया है बहुत बार। अगर देखें एक्सेप्शंस की बात करें, तो 1950 से लेकर 1973 तक हमारे जो सीनियर मोस्ट जज थे वही CJI बनते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते थे। लेकिन 1973 में इंदिरा गांधी के राज में ये रूल टूटा था, ये कन्वेंशन टूटा था, और ए एन राय को अपॉइंट किया गया था CJI, जिनके ऊपर 3 सीनियर जजेस भी थे। तो उन्होंने सुपरसीड किया 3 सीनियर जजेस को और वो खुद बन के आए CJI। ये दोबारा से कन्वेंशन और ये प्रोटोकॉल तोड़ा गया आपका 1977 में, जब MH बेग यानी मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग को बनाया गया CJI, जिन्होंने सुपरसीड किया अपने से ऊपर वाले अपने सीनियर जज को। तो ये सारे एक्सेप्शंस हैं, ये सारे कन्वेंशंस जब तोड़े गए हैं सुप्रीम कोर्ट में CJI की नियुक्ति के लिए। तो सुप्रीम 1993 में ये आता है एक
केस आता है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज अपॉइंटेड एज CJI, जिसमें ये तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ही में जो प्रेजेंट सीनियर मोस्ट जज है उसी को CJI बनाया जाए और जो डिस्क्रिशनरी पावर थी वो रिट्रेंच कर दी गई। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रेजिडेंट मिलकर अगर किसी को सुपरसीड करेंगे और ऐसे प्रोटोकॉल तोड़ेंगे तो ये अगेंस्ट द जुडिशरी माना गया अकॉर्डिंग टू दिस केस। और इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट जज है वही तय किया गया कि हमारे CJI रहेंगे। अगर बात करी जाए US की, कुछ कंट्रीज़ के अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हम कंपैरिजन करेंगे बच्चों। ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन US, US में आपका प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है जज को, जो कंसेंट लेगा आपका एक सेनेट की हुई। सेनेट वहाँ की जो कांग्रेस है, वहाँ के दो हाउसेज हैं जो हाउस ऑफ रिपब्लिक और आपके सेनेट। तो सेनेट एक तरीके से जैसा हमारा एनालॉगस टू हमारा लोकसभा ही है, तो उनके कंसल्टेशन पे, उनके कंसेंट पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन US। और एक बात और कही गई है, द जज ऑफ बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड इन्फीरियर कोर्ट जैसे इंडिया में हाई कोर्ट होते हैं, शैल कंटिन्यू द ऑफिस टिल देयर गुड बिहेवियर। इंडिया में इसे कहा जाता है टिल देयर साउंड माइंड। साउंड माइंड यानी सोचने समझने की शक्ति हो, उनके बिहेवियर में कुछ अनबैलेंस एक्ट ना हो, तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है जजेस की, तब तक वो नियुक्त करे जाएंगे। ओके अब बात करें आगे UK की, तो UK में क्वीन अपॉइंट करते हैं जजेस को ऑन रिकमेंडेशन ऑफ JAC। JAC क्या होता है इसको हम आगे भी जानेंगे, क्योंकि JAC के बेस ही हमारे NJAC है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही हमारी क्वीन अपॉइंट करती है जज को इन यूनाइटेड किंगडम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने काफ़ी कुछ यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। अगर बात करी जाए ICJ की बच्चों, ICJ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज दी ऑर्गन ऑफ UN और इसके हेडक्वार्टर्स हैं हेग, नीदरलैंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।